आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ बिना लहसुन प्याज की भंडारे वाली कद्दू की सब्जी। कद्दू यानी कि पम्पकिन। इसकी सब्जी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देर किस बात की। आधा किलो मैंने कोहरा लिया है, या कुमड़ा बोलो, या कोला बोलो, या फिर सीताफल बोलो, जो भी आप बोलते हो। तो ये इस तरह का लिया है मैंने, हरा वाला, ऑरेंज नहीं लिया है, हरा वाला लिया है। ये ऐसा इस तरह से होता है, ये थोड़ा कच्चा ही रहता है, बहुत पका हुआ नहीं रहता है। तो इसको मैंने छील लिया है, ये इस तरह से मैंने इसका छिलका निकाल दिया है, और यहाँ पे जो गर और बीज होते हैं वो भी निकाल दिया है मैंने, और अच्छे से धो लिया है उनको। इसके टुकड़े करेंगे तो थोड़े बड़े ही करना है, बहुत छोटे छोटे नहीं करना, बहुत छोटे करेंगे तो गल जाते हैं और फिर रबड़ी बन जाएंगे उनकी, तो थोड़े बड़े बड़े ही करना। अगर यहाँ का भाग कड़क है, ज़्यादा कड़क है, ये तो नरम है मेरा, अगर बहुत कड़क है तो इसका ये वाला हिस्सा निकाल देना है इस तरह से, और इसकी बारीक बारीक कटिंग कर देना है, छोटे टुकड़े कर देना है, और बाकी के बड़े टुकड़े कर देना है। जिससे क्या है, वो छिलके है ना, ये जो पीछे का छिलका होता है ना, अगर कड़क होता है तो बहुत इसको पकने में टाइम लगता है, और ये वाले जो ऊपर का हिस्सा होता है इसका, ये गल जाता है, तो फिर वो रबड़ी बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। सारे कुम्भड़ों को मैंने काट लिया है अच्छे से। बघार के लिए ये मैंने एक प्लेट में मसाला रख दिया है, तो ये कढ़ी पत्ता है, थोड़ी सी मिर्च है एक, ये बिल्कुल फीकी है, इसमें ज़रा भी तिखास नहीं है। ये आधा छोटा चम्मच जीरा है, एक अदरक का टुकड़ा है, और ये आधा छोटा चम्मच से भी कम राई है, और ये एक लौंग है, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना है, आधा छोटा चम्मच सौंफ। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस को आँच को कम कर दिया। चार टेबल स्पून इसमें तेल डाल दूंगी, चार टेबल स्पून इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो ये कुमड़ा बनाते हैं सब, कुमड़े की सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, नहीं तो क्या बहुत ही उबली उबली लगती है फिर। तो अब इसको गर्म होने देती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मसाले डालेंगे, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। मसाले डाल देते, राई डाला मैंने अभी, थोड़ी सी हींग है, अब जीरा डाल देते हैं, सौंफ डाल देते हैं, मेथी दाना डाल देते हैं, ये लौंग वो डाल देते हैं, ये हरी मिर्च काट के रखी है उसको डाल देंगे, कढ़ी पत्ता आप डाल देंगे। गैस अभी भी बंद ही है, तो थोड़ा से हरी मिर्च तल जाए और ये नीम पत्ता भी तल जाए, कढ़ी पत्ता। आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, ये भी अभी डाल देना है, बहुत तेज में डालते हैं ना तो हल्दी जल जाती है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, डेढ़ छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, ये डेढ़ हो गए। अब सब मसाले को मिक्स कर लेते हैं। मैंने गैस जला दिया है, धीमी आंच रखी है, अब थोड़ा सा मसाले को तल देते हैं। मसाले तल गए हैं, अब मैं इसमें कुमड़े के पीस डाल देती हूँ, सारे कुमड़े के पीस मैंने डाल दिए हैं, और अब मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले, इसमें अच्छे से कोट हो जाए सारे पीस में, इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये अदरक मैंने जो दिखाया था उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, तो वो भी डाल देंगे अभी और मिक्स कर लेंगे। अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कुम्हड़े के अंदर में। नमक टेस्ट के अनुसार डाल दें, अब नमक डालने से जल्दी पक जाएगी ना सब्जी, और सब में नमक अच्छे से चढ़ भी जाएगा। मिक्स कर लेते हैं, अब इसे थोड़ा सा पकने देते हैं, इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे, और ढक्कन ढक के थोड़ा सा पकने देंगे एक मिनट तक, इसके बाद वापस चेक करेंगे। बीच इसमें चेक करते रहना है इसको, चप्पू से मैं देख लेती हूँ, गल गए हैं आधे, तो गल गए, जरा सा बचाइए,
गल जाएगा भी, एक मिनट में हो जाएगा। आधा छोटा चम्मच में अमचूर पाउडर डाल रही हूँ खटाई के लिए। आधा छोटा चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। खट्टा मीठा थोड़ा अच्छा लगता है, मिक्स कर लेते हैं अभी सबको अच्छे से। अभी नमक चख के भी डाल सकते हैं, अगर कम लग रहा हो तो अभी डाल सकते हैं। पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ 3-4, तो मैं इनको तोड़ के डाल दूंगी टुकड़े करके। अच्छी लगती है इसकी सुगंध आती है तो, पुदीने के पत्ते की। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से और बस पकने में ही है, अभी एक मिनट में ये पक जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये पके कि नहीं पके। कोई कोई हिस्सा नहीं पक पाता है, नीचे का जो हिस्सा होता है ना वो थोड़ा कड़क रहता है, तो उसमें टाइम लगता है पकने में। ये पीछे का हिस्सा जो होता है ना, तो देख लेती हूँ। देख अभी आराम से कट रहा है, इसमें तक बन गया है। तो कढ़ाई गर्म रहती है तो थोड़े से और बन जाएंगे। ये अच्छे से हो गया है, फिर और ज़्यादा करेंगे तो ये रबड़ी जैसे बन जाएंगे, ऊपर का भाग बिल्कुल ही गल जाएगा। तो अब इसको बंद कर देते हैं गैस को और थोड़ी सी देर ढक के रख देंगे। बन के तैयार हो गई है कुम्हड़े की सब्जी या कोले की सब्जी, और इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत ही मस्त सुगंध आ रही है। तो अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बन के तैयार हो गई है कुम्हड़े की सब्जी या कोल्हे की सब्जी, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी है। तो आप इसे इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिए। रोटी परोठा पूड़ी किसी के साथ में भी आप अच्छे से खा सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है, चावल के साथ भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी।